चैप्टर नंबर 62। इस चैप्टर में हम देखते हैं कि डेविड के 2 महीने हो चुके हैं, वो अपनी आंटी के साथ रह रहा है और अपने जो भी नॉवेल्स हैं उसको लिखता जा रहा है और उसकी फेम बढ़ती जा रही है। इस बीच में वो बहुत ही ज़्यादा एग्नेस से मिलने के लिए जाता है। क्रिसमस का टाइम आ चुका है और वो डिसाइड करता है कि वो एग्नेस से मिलने के लिए जाएगा, लेकिन वहाँ जाने से पहले डेविड अपनी आंटी मिस बेट्सी के पास जाता है और उनसे पूछता है कि आपको पता चला कि एग्नेस किसको पसंद करती है। तो मिस बेट्सी डेविड से कहती हैं कि डेविड, मुझे लगता है ना कि वो कुछ टाइम में उस आदमी से शादी करने वाली है। डेविड ये जैसे ही सुनता है, पता नहीं उसके मन में क्या चलता है, उसके बाद वो उसी टाइम एग्नेस से मिलने के लिए निकल जाता है और वो एग्नेस के घर पे जाता है। एग्नेस वहाँ अकेली थी, उसके जितने भी स्टूडेंट थे वो बाहर चले गए हैं, छुट्टियों का टाइम है इसीलिए। आपको याद होगा एग्नेस का अपना एक स्कूल है, तो वहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्रिसमस की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने घर गए हैं। तो एग्नेस वहाँ अकेली थी, तो डेविड जाता है उसके पास और उससे बात करता है, और बातों ही बातों में डेविड एग्नेस से कहता है कि एग्नेस, अगर तुम्हारा कोई सीक्रेट है तो तुम मुझे अपना अच्छा दोस्त समझकर तुम बता सकती हो। एग्नेस उसे कहती है कि देखो डेविड, मेरा कोई नया सीक्रेट नहीं है, मेरा बहुत ही पुराना सीक्रेट है और ये बात किसी को भी नहीं पता है। डेविड उसे कहता है कि तुम मुझे बता सकती हो, तो एग्नेस अचानक रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। इसके बाद वो डेविड से कहती है कि डेविड प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ, कल बात करेंगे हम लोग। और एग्नेस वहाँ से जाने ही वाली थी कि डेविड ने उसका हाथ पकड़ लिया, और डेविड को पता नहीं कुछ लगता है कि शायद वो इंसान मैं ही तो नहीं हूँ, लेकिन वो कन्फेस तो नहीं कर सकता ना, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं से हिम्मत आ जाती है और डेविड एग्नेस से कहता है कि एग्नेस, जब मेरी लाइफ में डोरा आई थी तब भी मेरी लाइफ कंप्लीट नहीं थी तुम्हारे बिना, यानी कि डोरा के साथ रहते हुए भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती थी, तुम्हारे साथ की ज़रूरत पड़ती थी, पहले भी पड़ती थी और अब भी पड़ती है। जब डोरा इस दुनिया से चली गई तो मुझे एहसास हुआ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसके बाद एग्नेस और भी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है, लेकिन इस बार जो आंसू थे वो खुशी के आंसू थे, और एग्नेस जो है डेविड से कहती है कि डेविड, मेरा यही सीक्रेट है, मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ तुमसे। इसके बाद डेविड और एग्नेस दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं और बहुत ही रोते हैं। इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो मिस बेट्सी को जाकर इस बारे में बताएंगे। तो वो दोनों मिस बेट्सी के घर जाते हैं और मिस बेट्सी अचानक एग्नेस को देखकर काफ़ी शॉक हो जाती है, वो सोचती है कि अभी एग्नेस क्यों आई है। तो डेविड और एग्नेस एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं उनके सामने, तो मिस बेट्सी जो है वो समझ जाती है कि उन दोनों ने एक दूसरे को अपने दिल की बात कह दी है, और खुशी में मिस बेट्सी जो है वो इतनी शॉक हो जाती है ना कि सबको लगता है पता नहीं मिस बेट्सी को क्या हो गया। तो वहाँ पे मिस पैगेटी और मिस्टर डिक आते हैं उनको संभालने के लिए, तो मिस बेट्सी जो है उन दोनों को गले से लगा लेती है। और दरअसल बात ये है कि आपको याद होगा मिस बेट्सी ने डेविड से कहा था कि एग्नेस किसी से शादी करने वाली है, वो दरअसल उन्होंने जानबूझकर कहा था ताकि डेविड को हिम्मत मिले कि वो अपनी फीलिंग जाकर एग्नेस को जाकर बता दे। इसके बाद 2 हफ्तों में ही उन दोनों की शादी हो जाती है, और उसमें टॉमी ट्रेडल्स, सोफ़ी, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और उनकी वाइफ एनी भी आती हैं। जब शादी के बाद वो दोनों अपने घर पे जाते हैं एग्नेस और डेविड, तो एग्नेस डेविड को एक बात बताती है। एग्नेस डेविड से कहती है कि डेविड, तुम्हें याद है डोरा मरते वक्त मुझसे कुछ बात करना चाहती थी और उसने मुझसे अकेले में बात की थी? तो डेविड कहता है हाँ। तो एग्नेस डेविड को बताती है कि उस दिन डोरा ने एग्नेस से कहा था कि एग्नेस, मैं चाहती हूँ कि तुम डेविड की वाइफ बनो, क्योंकि तुम ही एक हो जो उससे बहुत ही ज़्यादा खुश रख सकती हो। यानी एग्नेस और डेविड की शादी की जो परमिशन थी डोरा ने पहले ही दे दी थी। आप इस तरीके से समझ सकते हो कि डोरा शायद वो इंसान थी जिसकी वजह से एग्नेस और डेविड एक साथ आ सके।